अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस का ओवरव्यू सारे देखेंगे, उसका डैशबोर्ड को देखेंगे, उसकी चीज़ों को कुछ मेजर करेंगे और किस तरह उसको हम स्केल कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने इस कोर्स के अंदर अपने डोमेन नेम को कर लिया है, होस्टिंग को किस तरह करना है, होस्टिंग क्या चीज़ है उसको सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और उसके बाद हमने उसको लिंक कैसे करना है डोमेन होस्टिंग को, उसके बाद डोमेन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हमने सी पैनल को स्टडी कर लिया, SSL को स्टडी कर लिया, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर लिया अपने सी पैनल के थ्रू, और उसके बाद अपने डेटाबेस को ओवर भी देख लिया कि डेटाबेस कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है, अगर न्यू करनी हो तो कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वर्डप्रेस ओवरव्यू। वर्डप्रेस के अंदर हमारी मेन जो चीज़ें आ जाती हैं, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे डैशबोर्ड पूरा, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर हमारा आ जाता है मेन जो है, हमने उसकी अभी हम सिंपल जो उसके ओवरव्यू देखेंगे, फंक्शंस कौन कौन से हैं, प्लगइन्स और थीम्स क्या हैं, किस तरह, वो हम बकायदा डिटेल में भी चीज़ें देखेंगे। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं, तो इसकी हम सेटिंग देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको जो है ओवरव्यू सारा, ठीक है, हम वो चीज़ें मेजर करेंगे। मैं आपको अब हम शुरू करते हैं, इसमें हम आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ टैब्स को। ये हमारा एक वेबसाइट है जो हमने डोमेन बनाई थी, ठीक है, lukmantechworld.ek फ्री डोमेन के ऊपर, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पर WP admin हमारा आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इधर इसको हमने यहाँ पे अभी लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह होगा। हमारा डोमेन नेम यही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डोमेन नेम को, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। हमारा ये URL है, हमने क्या करना है, अपना लिखना है lukmantechworld.ek, ये हमारा मेन वेबसाइट है, ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं। ये वेबसाइट को कॉपी करके या इसके आगे हमने /लिख कर सिंपल WP admin लिख देना है, हमारा एक एडमिन पैनल लॉगिन पे चला जाएगा। यहाँ पे हमने जो भी इसका यूज़र नेम पासवर्ड लिखा होगा वो हम लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये लिखा था। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडमिन कर लेता हूँ, उसके बाद इसका पासवर्ड यहाँ पे मैं अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ हो गई। ये हम सेम सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इसका जब हम इसको लॉगिन करते हैं, इसके अंदर हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें हमारा ओवरव्यू आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको हम कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कुछ करना हो तो हम लेके जा सकते हैं। इसके अगर हमने चीज़ें कम ज़्यादा करनी हो जो डैशबोर्ड पर शो हो रही हैं, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर भी ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो चीज़ें कम ज़्यादा करनी है वो हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कुछ शो ना हो, वो आस्ता से रिमूव हो जा रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। हम जैसे जैसे जो जो प्लगइन जो जो फंक्शंस इस वेबसाइट में ऐड करते जाएंगे, उसके फंक्शन जो है डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे फ्रंट एंड पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब हमारा आ जाता है ये होम पेज है, हम इसको यहाँ पे ऊपर टॉप बार आ जाती है, टॉप बार में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, न्यू कुछ पे आते हैं तो हमें पोस्ट मीडिया पेजेस यूज़र हमने ऐड करना चाहते वो कर सकते हैं। यहाँ पे थीम के बारे में थोड़ा बहुत ये बता रहे हैं, तो ये प्लगइन बता रहे हैं उस ऑप्टिमाइज का, जो कि डिटेल में खुद ऑटोमेटिकली ये हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ कर्सर लाएंगे, यहाँ पर आकर व्यू साइड पर हम देख सकते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह शो हो रही है। अभी हमारी सिंपल वेबसाइट शो हो रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, जहाँ पे एडमिन है हम अपने प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं और कुछ भी इसका कर सकते हैं। अब हमारा आ जाए, उसके बाद हमारा पोर्शन आ जाता है अपडेट्स का। अपडेट्स पे जब हम क्लिक करते हैं, अपडेट्स में अगर ये लेटेस्ट कोई प्लगइन थीम अपडेट होना हो तो इसको कर लेते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड ही होता है कि जितना अपडेटेड वर्जन आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होता है, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सारे फंक्शन सिक्योरिटी लेवल सारे इन्हेंस रहते हैं और इश्यूज नहीं आते। अगर आपका पुराना वर्जन हो जाए तो उसमें कोई ना कोई हैकर या कोई मसले कर सकते हैं, तो फंक्शंस में भी इश्यूज आ सकते हैं। आप कोशिश करें अपने वर्डप्रेस वर्जन प्लगइन्स को अपडेट रखें ताकि इसमें मसला ना हो। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है पोस्ट। पोस्ट क्या चीज़ है, आपका कोई ब्लॉग कोई भी चीज़, आप कोई पोस्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो आपका एक आ जाता है। आप कोई अगर न्यूज़ की वेबसाइट में जाते हैं, वो एक ब्लॉग वेबसाइट होती है जिसे हम पोस्ट कहते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरीज बन जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के ऊपर कैटेगरी बनी और उसके ऊपर सारी पोस्ट हैं। अगर आप पीसी के ऊपर लैपटॉप टॉप लैपटॉप्स के ऊपर बना रहे हैं, किसी भी आर्टिकल के लिख रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग जितनी है ना वो पोस्ट कहलाती है जो आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, तो हम पोस्ट को बाद में देखेंगे किस तरह हम लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ ये शो होती हैं। हम उसकी पोस्ट के कैटेगरी भी बना सकते हैं, उसके टैग्स अगर जनरेट करना चाहें अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि कोई भी उससे रिलेटेड टैग को सर्च करे तो उससे रिलेटेड सारी पोस्ट उसको शो हों। उसके बाद सेकंड थर्ड आ जाता है यहाँ पे मीडिया। मीडिया में हमारी जितनी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, प्रोडक्ट ये फाइल्स की शक्ल में, वो सारी इसमें हमारी आती हैं। हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं सारा, और उनको ऐड डिलीट कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, न्यू पे करके हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस। पेजेस हमारे जितने पेजेस हो जाते हैं, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से पेजेस होते हैं और किस टाइप्स के होते हैं और किस तरह का। हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अगर अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है वो हमें खुद देखना होता है और समझना होता है। जो नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन में चल रही होती है उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हम न्यू अपनी पेजेस भी बना सकते हैं। पेजेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स भी हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप हैं। कुछ हम अपने थीम्स को डेमो को थीम्स के जो डेमो होते हैं वो इंपोर्ट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, उनको देखेंगे कि हम उनको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हमारा आगे नेक्स्ट पार्ट भी है, आप देख सकते हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ थीम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन भी है, वो हम सेपरेट देखेंगे और ये सारी चीज़ें भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम हमारे कमेंट सेक्शंस आ जाते हैं जिसमें कि हम सारा देखेंगे कमेंट्स कौन कौन से हमें आए हैं, कोई पेंडिंग है, कुछ और मामला है, कुछ स्पैम में करना है, कोई ट्रैश करना है, कोई अप्रूव करना है या नहीं करना। हम इनको सिलेक्ट करके कुछ भी इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे आ रहा होगा कि कौन सी पोस्ट के ऊपर कौन सा कमेंट हुआ है, उसका हमने कौन सा एक्शन लेना है, ट्रैश करना, स्पैम करना, एडिट करना, अनअप्रूव करना है, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस हमारी होती है कि हम थीम को अपने वेबसाइट, अभी हमारा ये शो हो रही है, ये वाला थीम सिलेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर थीम चेंज करना हो किस तरह कर सकते हैं, और कोई थीम डिलीट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, तो हम वो नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। ये अगर इसी के अंदर मैं इसको ऐड कर लूँ, ये थीम के अंदर अगर इसको हमें चलें इसको हम देखते हैं, ये थीम का भी स्टेप। तो उसके बाद ये हमारे प्लगइन्स आ जाते हैं। प्लगइन्स में हमारे ये आ जाते हैं फंक्शन, जितने हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कोई कॉन्टैक्टर्स चाहिए हम कॉन्टैक्टर्स का प्लगइन करेंगे, हमें कोई और परफॉर्म करने के लिए एक्शन करने के लिए हमें कोई रिक्वायर्ड है तो हम वो करेंगे। हमें इसके बाद आ जाते हैं यूज़र्स, हमने कोई एडमिन बनाना है, किसी और को यूज़र बनाना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आते हैं टूल्स, इसको हम बाद में देखेंगे डेप्थ में, सेटिंग में नॉर्मल है चीज़ें, ये हम पैरेलल देखेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। जनरल चीज़ें हैं, अपनी ईमेल हमारी चीज़ें ये है, नाम ये है। उसके बाद अगर जो राइटिंग में हम किस तरह हम लिखना चाहते हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। हमें कोई रीड करना चाहते हैं तो किस तरह है कि फर्स्ट पेज पोस्ट हो, या कोई हम स्पेशल पोस्ट बनाना चाहते हैं कि ये वाला पेज हमारा होम पेज शो हो, वो ये है। उसके बाद तो हमें परमा लिंक्स हैं हमारे, ठीक है, हम किस तरह का अपना लिंक्स ऊपर जो URL है शो कराना चाहते हैं वो आ जाता है कि हम डेट के साथ शो कराएं या अगर कस्टम करना चाहते हैं हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल है इंशाल्लाह। आप देखेंगे हम इसके ऊपर अभी बकायदा वेबसाइट बकायदा पूरी बनाएंगे, थीम को देखेंगे, उसके बाद मज़ीद हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे स्टेप बाई स्टेप, और स्टेप बाई स्टेप सारा क्लियर भी होता जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं आपके वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर कोई आपके रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर अगर प्रॉपर आंसर देना हुआ तो वो, नहीं तो वीडियो बनाकर बकायदा इसके ऊपर डिटेल में हम आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।